एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग, आई होप खैरियत होंगे। तो गाइज, अगर आपने वीडियो मेरी पहले से ही देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं कोई भी फालतू बकवास नहीं करती, डायरेक्ट अपने मुद्दे पे बात करती हूँ। तो चलिए बिना फालतू बकवास किए हुए अपने मुद्दे के पॉइंट पे आते हैं अपने की। और आज का पॉइंट होने वाला है एक क्रीम के ऊपर, और वो क्रीम है पॉन्ड्स का ब्राइट ब्यूटी सीरम क्रीम, जो कि अभी न्यू लॉन्चेस है। पहले वाइट ब्यूटी था, अब इसका नेम चेंज करके ब्राइट ब्यूटी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह की ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग है इसकी। और सारी डिटेल्स इसकी आपको यहाँ पे मेंशन की गई है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, क्या क्या प्राइस है इसका, और सेल्फ लाइफ इसकी कितनी, सारे डिटेल्स में दिए गए हैं। सेल्फ लाइफ इसकी बात करूँ तो सेल्फ लाइफ जो है इसकी वो 3 ईयर्स की है, और प्राइस जो है इसका 90 रुपीज़ है, और प्रोडक्ट इसका जो है 23 ग्राम का है। ये छोटी वाली है, इस पर मैंने परचेज़ की हुई है, आप चाहें तो इसे बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप इसको यूज़ करना चाहें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप छोटा वाला ही पैक लें, क्योंकि आप कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो पहले आपको उसे टेस्ट करना होता है कि आप लोग करेगा नहीं, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक प्रोडक्ट हर किसी पर वर्क करे ये ज़रूरी नहीं होता। तो चलिए ओपन कर लेते हैं इसके बॉक्स को और देखते हैं ये कैसा है प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं इस तरह की डिब्बी में ये पैक हुआ आता है। ये छोटी वाली डिब्बी है इसकी, काफ़ी खूबसूरत सी पिंक और वाइट कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग है इसकी। और देख सकते हैं आप, इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ग्लिसरीन है, विटामिन B3 है, एंटी स्पॉट फार्मूला है, स्पॉटलेस ग्लो ये आपको देता है। ये सारी चीज़ें इसमें क्लेम की गई हैं। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये एक्चुअल में वर्क करता है या नहीं करता। तो चलिए अंदर से देख लेते हैं ये प्रोडक्ट कैसा है, पहले हम यही देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये कैप खुलता है, इसके अंदर एक और कैप लगी होती है जिसको आपने ऐसे खींच के निकालना होता है। प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में आता है, क्रीमी कंसिस्टेंसी है इसकी, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा क्रीमी होता है ये। और जब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा अमाउंट आपको लेना है, उसके बाद अपने फेस और नेक पे थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको मसाज करनी है अपने फेस की, जब तक कि आपकी स्किन में ऑब्जर्व नहीं हो जाता। जब आप इसको अपनी स्किन में अप्लाई कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा वाइट कास्ट देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन आपको थोड़ी सी ब्राइटन अप दिखती है। रही बात स्पॉट्स की, तो ये स्पॉट पर बहुत अच्छा वर्क नहीं करता है। करंट टाइम के लिए आपको थोड़ा ब्राइटनेस ही फील होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी आपको लगेगा, आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो गई है। हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, या आप देख सकते हैं वाइट कास्ट आपको दिख रहा होगा, और डर्ट जो होती है ना स्किन पे आपकी, उसको भी ये रिमूव करता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये डर्ट रिमूव कर रहा है। तो आपने इसको ले कर हल्के हल्के ऐसे मसाज करनी है ताकि जो आपकी डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव हो जाएँ, ठीक है। तो ये आपकी स्किन को इंस्टेंट ब्राइट अप भी करता है, इस वजह से ये डेली यूज़ के लिए, बेसिक यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप इसको अपने लिए बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, मेरी तरफ से मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी, आप इसको लेना चाहें तो बेशक ले सकते हैं। इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद अगर आप धूप में जाते हैं तो आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि और सनस्क्रीन में आने के बाद एक और भी नुकसान है कि जब भी आप सूरज की रोशनी में जाएंगे, अगर आपको स्वीट हो जाता है, अगर आपको पसीना आ रहा है, तो उसकी वजह से ये क्रीम रिमूव हो जाएगी, आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो ये रहा इस प्रोडक्ट का छोटा सा रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे कॉन्टेंट बना सकूँ और उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ईजिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।